सकता हूँ। दोस्तों आज हिंदी के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखेंगे हिंदी के 40 ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये टेस्ट आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 40 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके के टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। और इसी तरीके से मैंने जीके की सीरीज भी स्टार्ट की है और रीजनिंग और मैथ की भी। अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पे प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने फेसबुक ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगी, उसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है तो ए बी सी डी में से कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द छांटिए। तो इसमें बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का में भी बताइए सही शब्द है कौन सा इनमें से। तो तीसरे में राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में सत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप बताइए सही वर्तनी है। तो 5 में राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, तैरने की इच्छा रखने वाले वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जो भी आपका आता है, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्या रहेगा। तो 7वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द होगा। तो 8वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 9 का राइट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ भी न हो के लिए क्या है एक शब्द, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मन प्लस बल की सही संधि है। तो यहां पे देखिए बिल्कुल सही, अगर 11वें का राइट आंसर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हसाना क्रिया क्या है। तो 12वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो 13 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा भाई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। तो 14 है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो 15 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो 16 का राइट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परी प्लस छेद किस संधि से निर्मित शब्द होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दूध वाला रचना की दृष्टि से है? तो 20 का राइट आंसर यहां पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द होगा? तो यहां पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, 21 का ए हो जाएगा। 22, वह नायक जो आत्म अभिमान नहीं देखता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 23, संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द है? तो 23 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 24, सुख तथा दुख में समान रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा यहां पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द है? तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 26, आग का तत्सम शब्द है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 है आपका, गौरव का तत्सम शब्द है? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 28, नींबू का तत्सम शब्द है?
तो बिल्कुल सही है, 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ओड का तत्सम शब्द है। तो यहां पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, गधा का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 का ठीक है, बी हो जाएगा आपका। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो यहां पे देखिए आपका जो 32 का राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर रहेगा। और हाँ, 32 का देखिए अगर आपको नहीं पता तो ये हो जाएगा आपका 34। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 36, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए राइट आंसर हो जाएगा। 37, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 39, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पहले भी। तो 39 का राइट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेस्ट यहां तक लगा लिया है तो प्लीज एक बार अपना स्कोर भी बता दीजिए और कितने आपने क्वेश्चन 40 में से सही किए हैं, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ूं तो अच्छा लगे कि आपने कितना स्कोर किया है।